बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला चिक पीस की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और इंशाल्लाह आप ये अपने घर में पहली मरतबा ट्राई करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया की ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिए हैं, एक बाउल में एक कप चने हैं हमारे पास और चने हमने यहाँ पर कच्चे लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद अंडा। अंडे को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है और 2 टेबलस्पून ही हमारे पास मैदा है। तो मैदे को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हमारे पास अदरक का पाउडर है और 1/2 टीस्पून हमारे पास लहसुन का पाउडर है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन चनों के ऊपर एक जबरदस्ती कोटिंग लगा देंगे। ये लीजिए, यहाँ पर इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद चने के ऊपर बहुत जबरदस्ती कोटिंग हो चुकी है। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। और चलते हैं अब हम गैस की तरफ। दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे हम 1 अदद कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। और अब हम इसमें ये चने ऐड करते जाएंगे, 1 बाय 1 हम इनको ऐड करेंगे। तीस से 40 सेकंड तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और बाद में आपने इन लोगों की साइड को चेंज करते जाना है ताकि इनके ऊपर एक जबरदस्त सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये बबल्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही ये बबल खत्म हो जाएंगे इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये लीजिए, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को दिखाते हैं कि सर्व कैसे करना है। तो ये लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मजेदार मसाला चिक पीस की रेसिपी। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप लोग इसे एंजॉय करें 1 कप गर्मा गर्म चाय के साथ। ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।